बलिया में पत्रकारों ने सूप बजाकर जताया विरोध प्रदर्शन। आज बुधवार को गिरफ्तार पत्रकारों की रिहाई एवं डीएम एसपी के निलंबन के लिए संयुक्त पत्रकार संघर्ष मोर्चा के बैनर तले सूप बजाकर, जिसे दिवाली में दरिद्र भगाना कहा जाता है, कलेक्ट्रेट का परिक्रमा करते हुए दरिद्र भगे ईश्वर बैठे और फिर इस सूप को अग्नि में समर्पित कर दिया। मैं मधुसूदन सिंह, भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ उत्तर प्रदेश का प्रांतीय मुख्य महासचिव। आज किस तरह का कार्यक्रम किया गया जिलाधिकारी कार्यालय पे? देखिए, बलिया में 30 मार्च से 3 पत्रकारों को जिला प्रशासन ने फर्जी तरीके से पर्चा लीक मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजे हुए हैं और 13 दिनों से हमारे पत्रकार साथी जेल में, हम लोग आंदोलनरत हैं, 13 दिनों से आंदोलनरत हैं और यह आज हमारा क्रमिक अनशन का कलेक्ट्रेट पे दूसरा दिन था। इसी क्रम में हम लोग जिलाधिकारी के सामने सूप बजा के, जिलाधिकारी कार्यालय की परिक्रमा किए हैं सूप बजा के, जैसे दीपावली के पहले हमारे यहाँ घरों की माताएं बहनें सूप बजाकर और कहती है कि ईश्वर पैसस दलिदर भागस, वही कहते हुए हम लोग कलेक्ट्रेट की परिक्रमा किए हैं कि हे भगवान, यहाँ से दूसरा कोई डीएम आए जो ईश्वर का प्रतिरूप हो, जो न्याय करने वाला हो और यह जो दलित्र डीएम है यहाँ से जाए। इसके लिए हम लोगों ने, पत्रकार साथियों ने सूप बजा करके और कलेक्ट्रेट का परिक्रमा किया है। ठीक है, सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। Never miss an update.